तमाम मरहूमीन और शहदा के लिए ख़ास तौर पे आयतुल्लाह महदवी कनी जो चंद रोज़ पहले दार रहमत दार दुनिया से कूच करके दार रहमत में जा चुके हैं, इन सब के लिए फातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिक यौमिद्दीन, सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अन'अमता अलैहिम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। बुलंद आवाज़ में दुरूद पढ़े अहले बैत की पाक ज़ात पे। الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون वला युहसी नअमाहुल आदून वला युवद्दी हक्कहुल मुज्तहिदून अल्लज़ी ला युद्रिकुहु बुअदुल हिमम वला यनालुहु गौसुल फितन अल्लज़ी लैसा लिसिफतिही हद्दुम महदूद वला नअतुम मौजूद वला अजलुम ममदूद फतरल खलाइका बिकुदरते वन्नशर रियाह बिरहमते ववद्द बिस्सखूरे मयादान अर्दे अव्वलुद्दीन मअरिफतु जब्बार थुम्मा सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मक्कील मदनील हाशमील कर्शिल अब्तही सय्यिदिना व मौलाना शफीअ ज़नूबिना व तबीबे कुलूबिना अबिल क़ासिम मुहम्मद। वाला अहले बैतिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन अल्मअसूमीन अल्मज़लूमीन ला सियमा बक़ियतिल्लाहि अल-अअज़म इमामे ज़मानिना हाज़ा रूही व अरवाहुल आलमीन लितुराब मक़दमिहि अल-फ़िदा अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ वल्लअनतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन मिन यौम अदावतिहिम इला यौमिद्दीन अम्मा बादु फ़क़द क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ी फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वाइज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फ़अतम्महुन्ना क़ाला इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा क़ाला वमिन ज़ुर्रियती क़ाला ला यनालु अहदी अज़्ज़ालिमीन। सलावात मोहतरम सामईन अहले विलायत व मवद्दत व मोहब्बत, अल्लाह ताला आपके तमाम गुज़िश्ता आमाल अपनी बारगाह में मकबूल व मंजूर फरमाए और आइंदा हम सब को मज़ीद मारिफत और अकीदे के साथ आमाल अंजाम देने की तौफीक इनायत फरमाए।
अर्ज़ ख़िदमत यह है कि मारिफत इमामत और असर हाज़िर के तकाज़े, इस उन्वान से हमारी ये दूसरी गुफ्तगू है। आज बहुत सफ़र बड़ी जल्दी तय करना है मुझे। आपसे ये गुजारिश है कि आप थोड़ा थोड़ा मेरा साथ देते चले जाएं, बोलते चले जाएं, थोड़ा थोड़ा अपने कमेंट्स मुझे दें ताकि मैं गुफ्तगू को रोकूं ना, चलाता रहूं ताकि, क्योंकि रोज़ मैं आपसे इसलिए गुजारिश करता हूं कि आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा माहौल बदलेगा, ज़्यादा शोर करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ मुझे ज़रूरत होती है कि मैं फीडबैक मिलती रहती है, आगे चलता रहता हूँ, क्योंकि आज मैंने बहुत सफ़र तय करना है। अलबत्ता फेस रीडिंग से इंसान समझ लेता है कुछ ना कुछ, और कुछ वक्त ऐसा होता है फेस देखने से भी मालूम होता है कोई असर ही नहीं हुआ, तो इसलिए जो है वो थोड़ा थोड़ा आप मेरा साथ दें ताकि मैं इस मौजू को, जो मैंने इस पर मेहनत की है और कई साल की इसमें मैंने मेहनत की हुई है, ये आपकी खिदमत में मैं पेश कर सकूँ। बुलंद आवाज़ में दुरूद पढ़े अहले बैत की ज़ात पे। कल बात यहाँ तक पहुँची थी कि मुआशरे में कोई शख्स, कोई बच्चा जब भी बाशऊर होता है तो वो इख्तलाफात देखता है, उसे इख्तलाफात नज़र आते हैं। यहाँ मैंने बात को रोक दिया था, यहीं से बात को आगाज़ कर रहा हूँ। अब इख्तलाफात जो हैं वो क्या हैं, एक सवाल होता है हमसे कि ये बताएं कि सबसे पहले इख्तलाफ, ख़ास तौर पे बाकी सारे इख्तलाफात को छोड़ दें, उम्मत इस्लामिया में सबसे पहले इख्तलाफ कहाँ से आया है, क्योंकि ये बड़ा सवाल है हमारे लिए कि भाई सबसे पहले अलग कौन हुआ है, जुदा कौन हुआ है, फ़िरका किसने बनाया है, क्योंकि इस वक्त जो सबसे बड़ी आफत है हमारे मुआशरे की वो फ़िरकों में बट जाना है, जो ना खुदा को पसंद है, ना रसूल को पसंद है, ना अहले बैत को पसंद है। और कल मैंने मुसाहिब के शुरू में अर्ज़ भी किया था कि अहले बैत अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी कुर्बान ही इसलिए किया कि फ़िरके ना बने, कोई अलग ना हो। ये फ़िरका कहाँ से बना था, ये सवाल आपका जो जहन में अक्सर आपसे पूछा जाता है, कहाँ सबसे पहला इख्तलाफ कहाँ हुआ था, तो किताब लिख लीजिए अब जहन में या रिकॉर्डिंग में या जिस तरह भी है। किताब का नाम है मिलल व नहल। किसकी किताब है ये? इमाम शहरस्तानी की। कौन है इमाम शहरस्तानी? 600 कुछ हिजरी के हैं ये, यानी नए नहीं हैं, यानी 800 साल लगभग पुराने आलिम हैं। कौन है ये आलिम? अहले सुन्नत वल जमात के आलिम हैं। ये सारा कुछ अर्ज़ कर दिया। मिलल व नहल में जब आप शुरू में, मिलल व नहल का तर्जमा क्या है? मिलल मिल्लत की जमा है, नहल रास्ते की जमा है, यानी कि मिल्लतों के जो रास्ते हैं। ये किताब जो लिखी गई है इसमें फ़िरके लिखे गए हैं मुसलमानों के, कि मुसलमानों का फ़लाँ फ़िरका, फ़लाँ फ़िरका, फ़लाँ फ़िरका इस दौर में ईजाद हुआ, इसमें हुआ, इसमें हुआ, इख्तलाफ़ कैसे हुआ, उम्मत में कैसे ये फ़िरके बने थे, ये इसी उनवान की किताब है। अब आप देखें इस किताब में दो मुकदमे हैं, उसमें मुकदमों में से जब आप दो गुजरेंगे तीसरे चौथे मुकदमे में, यह चार मुकदमे हैं, चार में से चौथे मुकदमे को जब आप शुरू करेंगे, इमाम शहरस्तानी लिखते हैं कि सबसे पहला इख्तलाफ उम्मत में रसूल के बाद नहीं हुआ बल्कि रसूल के होते हुए हो गया था। कब हुआ था? जब रसूल ने कलम दुआत मांगी थी, सबसे पहला इख्तलाफ। मैं नहीं लिख रहा। फिर वो हवाला देते हैं सही बुखारी का कि 7 मरतबा ये सही बुखारी में जिक्र है। इसमें तफसील में मैं नहीं जाना चाहता, क्या हुआ आप जानते हैं सब। पहला इख्तलाफ आज के बाद आपने जब भी किसी से कहना है कि उम्मत में इख्तलाफ कहाँ से शुरू हुआ था, सबसे पहला इख्तलाफ जब रसूल खुदा 3 दिन पहले दुनिया से जाने से रसूल खुदा ने कहा कि मेरे लिए कलम दवात ले आओ, मैं तुम्हारे लिए हिदायत का परवाना लिख दूँ, तो उस वक्त कुछ अफराद ने फिरका बना दिया था। उस वक्त सबसे पहला फिरका बना था। सबसे पहला फिरका इस्लाम में कब बना था? उस वक्त बना था। इमाम शहरस्तानी ने 10 इख्तलाफ लिखे हैं वहां पे। 10 में से पहला ये था। दूसरा इख्तलाफ जैश उसामा के बारे में है। तीसरा इख्तलाफ रसूल खुदा के दफन के बारे में है। तफसील आप उसमें पढ़ लीजिएगा, मैं इसमें नहीं जाऊंगा, नहीं तो मेरा मौजू बहुत सारा रह जाएगा। चौथा इख्तलाफ जो है वो रसूल खुदा, तीसरा दफन में है, और चौथा जो इख्तलाफ है
रसूल खुदा के बाद बाज़ मसाइल का है, और पांचवा इख्तलाफ लिखते हैं कि इमामत के बारे में है, इमाम शहरस्तानी, और उसमें लिखते हैं फहिया आज़मुल खिलाफ फिल उम्मा, कि ये उम्मत में सबसे बड़ा इख्तलाफ है। और फिर लिखते हैं कि इतना खून किसी वजह से नहीं बहा आज तक जितना खून अम्र इमामत की वजह से बहा है। यानी इमामत को उन्होंने भी मामूली नहीं शुमार किया, उन्होंने पहले इख्तलाफात को जल्दी जल्दी से बयान किया है, लेकिन इसके लिए पूरा एक पैराग्राफ लिखा है। लिहाजा उसके बाद फिर और भी इख्तलाफ, और फिर फदक का इख्तलाफ लिखा है, फिर उसके बाद और भी इख्तलाफ लिखे हैं, वो आप देख सकते हैं, 10 इख्तलाफ हैं वहां पर। अब ये जब इख्तलाफात का मैंने आपको बता दिया, अब इस इख्तलाफात का हल क्या है? हल होगा ना कोई तो, ये ऐसा तो नहीं है कि जो इख्तलाफ पड़ गया वो वापस नहीं आ सकता, क्योंकि इस्लाम एक ऐसा दीन है कि जिसमें हर शय का हल मौजूद है। ला रतबिन वला याबिसिन इल्ला फी किताब मुबीन, कि हर खुश्क और तर का इल्म इसमें मौजूद है। और खुश्क और तर में आया इख्तलाफ आता है या नहीं आता? बल्कि खुश्क और तर खुद इख्तलाफ है, खुश्क और तर खुद इख्तलाफ है। तो लिहाजा इस इख्तलाफ को भी हल किया कुरान ने। तो मैं आज एक आयत जो आपने बहुत सुनी है वो आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं, जो इसका हल है, लेकिन सुनी एक टुकड़ा है आपने, आगे ना कोई कभी बयान करता है और ना सोचता है इसके बारे में। अक्सर आपने, सब ने आपने सुनी है, शायद ही कोई दोस्त हो जिसने ये आयत ना सुनी हो, और पढ़ते भी कहां हैं अक्सर, जहां उन्होंने इख्तलाफी तकरीर करनी होती है वहां पढ़ते हैं अक्सर खतीब। मसलन जब जमा होते हैं साहब, तो उसने कोई ऐसी बात करनी होती है जो इख्तलाफात वाली होती है, तो वो शुरू में कहता है वह अतसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकु। अक्सर ये आयत पढ़ी जाती है, ये आप सब ने सुनी हुई है, दुरुस्त है, इतनी ही पढ़ी जाती है। ये सूरह आले इमरान की 103 नंबर आयत है, इतनी आयत नहीं है, ये आयत आगे बहुत लंबी है, ये एक टुकड़ा नहीं है सिर्फ। जब मैं इस आयत की तिलावत करता हूँ कुरान पढ़ते पढ़ते, तो खुदा की कसम मुझे अफसोस होता है कि कैसा वो कारी है जो इतनी आयत पढ़ के रुक जाता है। इसमें तो आपको हुक्म मिला है कि अल्लाह की रस्सी मजबूती से थाम लो और तो फरकेबाजी में ना पड़ो, यानी तुम में वहदत आ जाए। अब रस्सी मजबूती से थाम लो, रस्सी की अपनी अपनी तफसीर की जाती है, वो अलग बात है कि खुद अहले बैत ने फरमाया नहनु हबलुल्लाह, कि हम हबले खुदा हैं, हम खुदा की रस्सी हैं जो तुम्हें ले जाएंगे खुदा की तरफ। अब आप देखें आयत क्या है आगे, आयत का अगला जुमला मैं आपकी खिदमत में, थोड़ा सा दिल को खोलिएगा, मेरे साथ बोलिएगा जरूर अगर आपको लुत्फ आया तो। आयत आगे है वा अतसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकु, कि तुम अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और तफरके में ना पड़ो। ऐसा मुमकिन है कि अल्लाह कोई मर्ज बताए कुरान में और उसका इलाज ना बताए? ऐसा मुमकिन नहीं है। आगे इस आयत के आगे इलाज है इसका, ये आगे कोई नहीं पढ़ता। आगे क्या वज़कुरु नेमतल्लाहि, आप पहुंच गए, वज़कुरु नेमतल्लाहि, याद करो अल्लाह की नेमत अलैकुम जो तुम्हें दी गई है। पीछे इख्तलाफ और उसका हल बयान किया जा रहा है कि तुम याद करो किसको? अल्लाह की नेमत को जो तुम्हें दी गई है। अलैकुम, तुम क्या थे उससे पहले? फअल्लफा बैन कलूबिकुम, कि उसने तुम्हारे दरमियान मोहब्बत पैदा की है उस नेमत ने। अब हम नेमत का जो है थोड़ा सा इसको खोलते हैं, देखते हैं कि नेमत कौन सी है। आया नेमत खेतियां हैं, जमीनें हैं, सोना है, चांदी है, ये मटेरियल मादी चीजें हैं। मादी चीजों तो पे इंसान हर वक्त लड़ता है, अभी भी लड़ रहा है, उस वक्त भी लड़े थे, कुरान में है कि जब माले गनीमत आया तो बहुत सारे लड़ पड़े थे। अगर वो नेमत इकट्ठा करने वाली होती, क्योंकि नेमत की निशानी आगे आ रही है कि अल्लाह ने जो तुम्हें नेमत दी है उसको याद करो। वो नेमत कौन सी नेमत है? उस नेमत की वजह से तुम्हारे दिल एक हो गए थे,
उस नेमत की वजह से तुम्हारे दिल एक हो गए थे। फअसबह तुम बेनेमत ही इखवानन, और तुम उस नेमत की वजह से भाई बन गए थे। तो उस नेमत की वजह से क्या बन गए थे? भाई बन गए थे। वो नेमत क्या है? सोना चांदी नहीं है, चावल नहीं है, गंदम नहीं है, ये चीजें नहीं। इन पे तो इंसान लड़ रहा है। पानी पे जंगे हुई हैं, पानी पे कितनी जंगे हुई हैं, तेल पे जंगे हो रही हैं, और बहुत सारी चीजों पे जंगे हो रही हैं। लिहाजा पता ये चला ये मादी नेमत नहीं है। ये नेमत कौन सी नेमत है? कुरान खुद बयान फरमा रहा है, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती। ये भी नेमती और वो भी नेमत ही। उधर भी ये है कि अल्लाह की नेमत को याद करो, इधर भी है मेरी नेमत है ये। अगर सोना चांदी ये चीज, इसलिए मैंने शुरू से अर्ज कर दिया कि ये नेमतें मुराद नहीं है यहां। ये नेमतें होती तो इंसान शुरू से लेकर अब तक इस पर लड़ रहा है, इस पर इकट्ठा नहीं हो रहा। कभी आपने देखा जमीन पर इकट्ठा हुआ हो कोई? कभी आपने देखा सोने पे? यही होता है कि ये दुनिया से जाए, बल्कि बाप बेटे के लिए और बेटा बाप के लिए भी जब कोई मकाम आता है लालच में पड़ जाता है, कहता है ये जल्दी जाए और मैं ये माल हासिल कर सकूं, चे जाए कि वो इकट्ठे हो जाए। लिहाजा कहा कि वो नेमत को याद करो। पता चला कि इख्तलाफ को मिटाने के लिए उस नेमत को याद करना पड़ेगा। इख्तलाफ मिट नहीं सकता उम्मत में जब तक के वो नेमत अल्लाह की याद ना करो। कौन सी नेमत? जिससे तुम क्या हो गए, तुम्हारे दिल में मोहब्बत आ गई है और जिसकी वजह से तुम भाई बन गए हो। उसके बाद आयत क्या है? वह कुन तुम, और तुम थे शफा खुफरत नार, कि तुम जहन्नुम के किनारे पे खड़े थे। तुम कहां खड़े थे? जहन्नुम के किनारे पे खड़े थे। तो उस वक्त क्या हुआ? खुदा इरशाद फरमा रहे कि उस वक्त फिर तुम्हें अल्लाह ने फअनकज़कुम मिन्हा, तुमसे तुम्हें फिर अल्लाह ने उससे निकाल दिया, जहन्नुम से निकाल दिया। फिर आगे एक आयत है, फिर दोबारा है, फिर आयत है कि अल्लाह तुम्हें बार बार अपनी निशानियां दिखा रहा है। युबय्यिनुल्लाहु आयातिही, कि अल्लाह तुम्हें बार बार अपनी निशानियां दिखा रहा है, लअल्लकुम तहतदून, कि ताकि तुम हिदायत, शायद तुम कभी ना कभी हिदायत पा जाओ। यानी ये देखे पूरी आयत पढ़नी चाहिए ना, ये पूरी आयत बता रही है कि तुम तफरके में हो तो तुम हबले खुदा को पकड़ो। हबले खुदा का भी नहीं पता चल रहा तो आगे आयत पढ़ो, उस नेमत को याद करो, उस नेमत से तुम भाई भी बन जाओगे, तुम्हारे दिल भी मिल जाएंगे, तुम्हारे दिल भी मिल जाएंगे। और उसके बाद क्या होगा कि फिर उसके बाद तुम जहन्नुम से आजाद भी हो जाओगे, जहन्नुम से आजाद भी हो जाओगे। फिर दोबारा फिर कहा कि अगर फिर भी तसल्ली नहीं है किसी की, तो अल्लाह अपनी निशानियां दिखाता रहेगा, अपनी निशानियां दिखाता रहेगा, लअल्लकुम तहतदून, ताकि तुम हिदायत पा जाओ, तुम हिदायत याफ्ता हो जाओ। अब निशानियों की जब बात आती है तो हम पूछते हैं अमीरुल मोमिनीन से कि निशानी कौन सी निशानी है, तो अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं अना आयतुल्लाहुल कुबरा, कि मैं अल्लाह की सबसे बड़ी निशानी हूं। किबला तशरीफ लाए आगे, इस तरह जसारत है, बिस्मिल्लाह बुलंद आवाज़ में दुरूद पढ़ें, किबला आगे तशरीफ ले आए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आल मुहम्मद। तो आपने तवज्जो फरमाई है, कितना प्यारा हल कुरान ने दिया है। अब भी आप बयान कर दें कि जहां भी तफरका हो, ये आयत पढ़ के नीचे वाला हिस्सा उसे मौलाना साहब से कहें कि ये जरूर पढ़ें, कि ये कौन सी नेमत है जिसका अल्लाह कह रहा है जिक्र करो, जिसको याद करो, ये कौन सी बातें हैं यहाँ, ये कौन सी हिदायत है। तो कोई भी जवाब इसका नहीं देगा आपको, इधर उधर की बातें लिख देंगे, इधर उधर की बातें कह देंगे, लेकिन इसके बाद रसूल खुदा ने जो इसकी तफसीर की है, रसूल फरमाते इन्नल हुसैन मिसबाहुल हुदा, के हुसैन क्या है? चरागे, चराग किसे कहते हैं आप? अलामत को। चराग असल में किसे कहते हैं? अलामत को। चरागे हिदायत है, यानी अलामत हिदायत है। वसफ़ीनतुन निजात, और निजात का रास्ता है।
तो इख्तलाफ में इंसान डूब रहा होता है, इंसान गर्क हो रहा होता है, इंसान जो है नाबूद हो रहा होता है। जब इख्तलाफ में होता है उसका दिल मुतमईन नहीं होता, वो बहुत परेशान होता है। तो इख्तलाफ जब भी किसी उम्मत में आ जाए, इस आयत से मदद मांग ले और उसके बाद रसूल की इस हदीस पे अमल कर रहे, इन्नल हुसैन मिसबाहुल हुदा, तुम इधर उधर ना देखो बल्कि हुसैन की तरफ बढ़ जाओ, और उसके बाद जब बढ़ जाओगे वह सफीनतुन निजात, तुम्हें निजात भी मिल जाएगी, तुम्हें निजात मिल जाएगी इस इख्तलाफ में। इस इख्तलाफ का यही हाल है कि तुम आगे पहुंच जाओगे, अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे। और ये भी नहीं सिर्फ कहा, देखें इस हदीस में भी अजीब मुआरिफ हैं, एक हिस्सा इसका लाजिम और एक उसका मलजूम, लाजिम और मलजूम का इश्तराक है। ये अहले फन इस बात को जानते हैं कि कहा कि लाजिम है कि तुम इस चिराग की तरफ बढ़ो, हिदायत मिलेगी तुम्हें, और उसका लाजिमा क्या, मलजूम क्या है कि तुम्हें क्या हो जाएगा, फिर तुम निजात पा जाओगे। पता चला कि पहले हिदायत है फिर निजात है। अगर कोई कहे कि निजात वैसे हो जाएगी बगैर हिदायत के तो ये झूठ है। इसीलिए कहा पहले हिदायत पाओ फिर तुम निजात पा जाओगे। और हिदायत जो है वो सिर्फ ये नहीं है कि हुसैन को मान लिया जाए, मानते तो सभी हैं हुसैन को, दुश्मन भी मानते हैं, दोस्त भी मानते हैं, उम्र साद दुश्मन है आप जानते हैं, लेकिन वो खुद कहता था कि मुझे पता है कि हुसैन की क्या कदरों कीमत है, मानता था। ऐसा नहीं है कि हुसैन को तस्लीम नहीं करता था, ये बात हकीकत है। बल्कि शिमर के आप जो पढ़ें शेर जो उसने जाके यजीद के सामने बोले थे, उसमें क्या कहा था उसने, शिमर दुश्मन है, कातिल है सईद शहदा का। क्या कह रहा था कि मैं दुनिया के अजीम तरीन इंसान को कत्ल करके आ रहा हूं, अगर ना जानता होता तो ये लफ्ज बोलता। फजीलत का जुमला पढ़ा है ना उसने, बोला है फजीलत का जुमला। लिहाजा फजीलत का जुमला बोल देना काफी नहीं है, अगर काफी होता तो वो किसी मकाम पे पहुंच जाता लानतुल्लाह अलैह। लेकिन क्या है कि फजीलत पढ़ के हिदायत लेना कमाल है, और हिदायत लेके उसके बाद फिर आपका वर्क खत्म, आपका काम खत्म। जब आप हिदायत ले लेते हैं तो उसके बाद निजात उधर से आ जाती है खुद ब खुद, वो निजात आपको मिल जाती है। लिहाजा अजीजा ने मोहतरम ये इख्तलाफात का हल है, इसी को आपने बयान करना है, इसी को आपने कहना है। अब मैं थोड़ी इस्तलाहात का फर्क बयान करने लगा हूं आपके सामने, तवज्जो रखिएगा। बुलंद आवाज में दुरूद पड़े अहले बैत की पाक जात पे, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ये जो मौजू मैंने शुरू किया, फिर एक दफा कह रहा हूं, अगर किसी को थीसिस लिखने हो, अगर किसी को कोई असाइनमेंट देनी हो इस बारे में, मसलन आपसे कॉलेज स्कूल में कहा जाता है भाई आपका क्या मजहब है, मसलन इन अय्याम में आप छुट्टी करते हैं, अक्सर पूछ रहे हैं भाई तुम क्यों नहीं आए, या तुम क्यों इस तरह हो, गमगीन हो, इंसान के गम तारी होना चाहिए, तो तुम शिया हो, तो फिर वो बोले शिया क्या है क्यों मसलन तुम, या फिर आम अफराद रास्ते में आपसे पूछते हैं कि भाई तुम हाथ खोल के नमाज क्यों पढ़ते हो, फलां फलां काम सजदेगा क्यों रखते हो। ये सारी बहसें जो हैं, तमाम की तमाम जितनी भी बहसें हैं उसको एक दायरे में अगर बंद कर लें तो उसका एक जवाब है, जब भी आपसे कोई कहे इधर उधर की बात ना कहे, अब कहें कि मैं अहले बैत को मानता हूँ, जवाब ये है उसका। मुमकिन आप कहें जी आप किताबों के हवाले नहीं दे रहे, आपने बताया नहीं कि कौन सी किताब में हाथ छोड़ना लिखा है, हाथ बांधना लिखा है, फलां लिखा है, ये लिखा है, वो लिखा है, इसमें तफसील में नहीं जाने। आपने कहना कि हम किस मकतब के हैं, अहले बैत के, मकतब इमामत के कायल हैं हम, हमारे मकतब में इमामत है, जो हमारे इमाम ने कह दिया है वो हमने कर दिया है, ये उसका असल जवाब है। हाँ तफसील आगे उसकी अलग है, क्योंकि एक बात आ गई है तो मैं एक सिंपल सी बात करके आगे निकल जाता हूँ। हाथ छोड़ने पे दलील नहीं चाहिए, बांधने पे दलील चाहिए होती है, क्योंकि कंडीशनल सिचुएशन पे दलील चाहिए, सिंपल सिचुएशन पे नहीं चाहिए। दुनिया का ये दस्तूर है, ये मैं लॉजिकली आपको अर्ज कर रहा हूँ कि दुनिया का दस्तूर है। अगर मैं ऐसे करके बैठूँ ना या ऐसे करके, तो आप कहेंगे मौलाना क्या मुश्किल है,
और अगर मैं ऐसे बैठूं आप नहीं मुझे पूछेंगे कि क्या प्रॉब्लम है आपकी, लिहाजा आप उनसे कह दें कि छोड़ने पे दलील नहीं चाहिए, बांधने पे दलील चाहिए। मेरा काम नहीं है दलील लाना, आपका काम है, समझ गए। ये इससे आप बिल्कुल, ये दुरुस्त बात है, ये मुगालता नहीं है, बल्कि मुगालता उस तरफ से है कि आम सिचुएशन में दलील मांगी जा रही है। उसे कहो अगर इस तरह दलील लानी है तो बच्चा जब दुनिया में आता है हाथ छोड़ के क्यों आता है, दलील दो। ऐसा क्यों है फिर? क्योंकि खास सिचुएशन में दलील चाहिए होती है। लिहाजा मैं इससे वैसे गुजरना चाहता था, मैंने कहा ये भी आपकी खिदमत में अर्ज करूँ। बुलंद आवाज में दुरूद पढ़े अहले बैत की ज़ात। तो अज़ीज़ाने मोहतरम, आपने ये कहना कि हम मकतब अहले बैत को मानते हैं। अब मैं थोड़ी तशरीह अर्ज करने जा रहा हूँ और आप शेयर करेंगे मेरे साथ थोड़ा थोड़ा। एक लफ्ज़ है इमाम, एक लफ्ज़ है नबी, एक है रसूल, एक है इमाम, एक है वली, एक है खलीफा। ये पांच लफ्ज़ हैं। कितने लफ्ज़ हैं? एक नबी, एक रसूल, एक इमाम, एक वली, एक खलीफा। इन सब में क्या फ़र्क है? मैं तर्जमा कर रहा हूँ, शेर जहाँ मैं करूँगा आपसे पूछूँगा इंशाल्लाह। नबी उसे कहते हैं जो ख़बर रखे, नबा से है, जो खबर रखे। हाँ, आगे पहुंचाए या ना पहुंचाए, जब ऑर्डर आए पहुंचा दे, जब ना आए ना पहुंचाए। रसूल उसे कहते हैं कि जो पैगाम को पहुंचाए, खबर भी रखे और पैगाम को पहुंचाए। लिहाजा पता चला कि हर रसूल नबी होता है लेकिन हर नबी रसूल नहीं होता। समझ आ गई आपको? ये दो क्लियर हो गए। उसके बाद तीसरा इमाम, उसके बाद चौथा वली, उसके बाद पांचवा खलीफा। इन तीनों पे मैं बहस ज्यादा करूंगा क्योंकि मेरे मौजू में ये दाखिल है। थोड़ा गौर से सुनिएगा, एक होता है मकाम, एक होता है मनसब। एक होता है मकाम अथॉरिटी और एक होता है मनसब पोस्ट। दो चीजें हैं ये। हर इंसान एक मकाम रखता है, एक दर्जा रखता है और उस दर्जे के मुताबिक उसे मनसब मिलता है। उसे क्या मिलता है? समझ के आराम आराम से इसलिए बयान कर रहा हूं क्योंकि समझाना चाह रहा हूं आपको। मकाम और मर्तबा जो होता है उसके अंदर से मनसब बाहर आता है। हमेशा याद रखें आप, अलग बात है हमारे मुल्कों में जो है बगैर मकाम के ही मनसब मिल जाता है क्योंकि हमने आदत में देखा ऐसे है, इसलिए हमें ज्यादा फील नहीं होता, जिसको मर्जी जो सा मनसब दे दो। लिहाजा क्या है कि हर मकाम के मुताबिक मनसब मिलता है, पोस्ट मिलती है। मकाम दर्जे को भी कहते हैं, ये जहन में रख लें। वली मकाम है, वली क्या है? मकाम है। और इमाम ओहदा है, इमाम उसकी पोस्ट है। वली के अंदर से चंद पोस्टें निकलती हैं। वली के अंदर से नबी निकलता है, वली के अंदर से रसूल निकलता है, वली के अंदर से इमाम निकलता है। जिसके पास विलायत हो, विलायत मकाम का नाम है। विलायत किसका नाम है? मकाम का नाम है। और नबुवत ओहदा है, रिसालत ओहदा है, इमामत ओहदा है। ये तीनों ओहदे विलायत की खातिर मिलते हैं। यानी नबुव्वत और रिसालत और इमामत का जो बातिन है वो विलायत है, और विलायत का जो जाहिर है, कभी नबी जाहिर करता है, कभी रसूल जाहिर होता है, कभी इमाम जाहिर होता है। ये उसकी आप ये निस्बत आप तय कर लें कि विलायत बातिन है और मकाम जो मिलता है वो मकाम क्यों मिलता है, वो एक अलग बात है। इंशाल्लाह एक बहस में जाके, इल्म की बहस में आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा वो मकाम कैसे मिलता है। अब जब मकाम होता है इंसान के पास या किसी के पास भी, किसी हस्ती के पास जो मकाम होता है उसी के मुताबिक उसे ओहदा मिलता है। लिहाजा मकाम बुलंदतर है ओहदे से। मकाम क्या है? बुलंदतर है ओहदे से। आपकी खामोशी मैं तोड़ देता हूं थोड़ी देर तक। मुकाम बालातर है, अफजल है ओहदे से।
बल्कि ओहदा मिलता ही मकाम की वजह से है। तो तवज्जो कीजिएगा, अल्लाह ना नबी है, ना रसूल है, ना इमाम है, तो अफजल है। क्यों अफजल है अल्लाह? अगर ओहदा मयार होता तो ओहदे इससे बड़े नहीं है कोई भी, नबुव्वत और रिसालत और इमामत से बड़ा ओहदा कोई भी नहीं है, पोस्ट कोई इससे बड़ी नहीं गुजरी कायनात में। अब अल्लाह के बाद ये तीनों पोस्टें नहीं है, अल्लाह फिर भी अफजल है। क्यों अफजल है? इन्नमा वलीयुकुम अल्लाह, क्योंकि अल्लाह वली है, अल्लाह मकाम विलायत रखता है। जब किसी के पास विलायत आ जाए तो ओहदे बांटना दे शुरू करता है, वो ओहदा देता है। फिर अब दूसरी मिसाल दे दूं, आपकी तिशनगी और दूर हो जाए। हम सब का अकीदा है फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के बारे में, अल्लाह सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बीबी ना नबी हैं, ना रसूल हैं, ना इमाम हैं, ऐसा ही। लेकिन फिर भी ग्यारहवीं हुज्जत कह रही है कि हम तुम पर हुज्जत हैं, हमारी दादी हम पर हुज्जत है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि मकाम विलायत कुबरा पे फायज है फातिमा तो ज़हरा, विलायत सुगरा पे नहीं है, विलायत कुबरा पे फायज है। यानी जिस तरह अली वली है इसी तरह फातिमा वलिया है। लेकिन फातिमा के पास नस्वानी तकाजे के तहत ओहदा मौजूद नहीं है, लेकिन बीबी क्योंकि वली है खुदा है, इसलिए 11 वली बीबी की गोद से आ रहे हैं और 11 इमाम आ रहे हैं। अल्लाह ये वाजे हो गया आपके लिए, नबी भी हो गया वाजे, रसूल भी वाजे हो गया, और वली भी और इमाम भी। अब रह गया लफ्ज खलीफा। अब आप शेयर करें कि खलीफा और इमाम में क्या फ़र्क है। कोई दोस्त बोले ताकि तरावत हो जाए मजलिस में, कोई दोस्त बोले पीछे है, वो आगे हैं, आगे पीछे यानी खड़े आगे पीछे हैं, कोई पक्की बात बताए, आपका हौसला बढ़ेगा। ये मेरा अंदाज है एक, ताकि आप मैं अकेला ना रहूं बोलने में, सवाब आपको भी मिलता रहे। हाँ इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, अल्लाह कह रहा मैं खलीफा बना रहा हूं, तो उम्मत ने कहां से बनाया है? ये तो बात गलत हो गई। यही इसीलिए मैंने इस मौजू को शुरू किया है। देखें आपकी जिंदगियां गुजर गई हैं, इसीलिए इसको शुरू किया है। खलीफा और इमाम एक जैसे मेरा हाथ है उसके दो रुख हैं, कोई फर्क नहीं है। ये तफसीर दूसरों की है, हमारी नहीं है। मैं इंशाल्लाह इस हदीस में जुमला भी अर्ज करूंगा, खलीफा इमाम है और इमाम खलीफा है, क्योंकि उम्मत नहीं बना सकती खलीफा, क्योंकि आदम को उम्मत ने नहीं बना, उम्मत थी नहीं, उम्मत थी नहीं। इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, कि मैं खलीफा बना रहा हूं, लिहाजा उम्मत का क्या काम है? उम्मत अपना खलीफा नहीं बना सकती तो गैर को क्या बनाएगी? लिहाजा तवज्जो रखें, खलीफा और इमाम एक सिक्के के दो रुख हैं, एक हाथ के दो रुख हैं। मैं आपकी ज्यादा खामोशी पसंद नहीं कर रहा। कैसे? जो रुख खुदा की तरफ है वो खलीफा है, जो अवाम की तरफ है वो इमाम है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अजल फरज मुहम्मद। आज सब ठीक है लेकिन घड़ी मेरा साथ नहीं दे रही, तवज्जो फरमाइए कि खलीफा और इमाम में क्या फ़र्क है। क्योंकि अहले बैत क्या फरमाते हैं, नहनु खलाइफुल्लाह, कि हम अल्लाह के खलीफे हैं, व इमामुन लकुम, और तुम्हारे लिए इमाम है। कहा इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, कि मैं खलीफा बना रहा हूं रूए जमीन पर, यानी अल्लाह की निस्बत है। वह इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा, और मैं तुम्हें अवाम के लिए इमाम बना रहा हूं। ये दोनों आयतों में मैंने आपको दलील दे दी है, लिहाजा पता ये चला। ये अपने मकतब को आप समझें,
इसीलिए मैं इसमें मेहनत कर रहा हूँ, एक एक जर्रा जर्रा रुक रुक के, कि खलीफा और इमाम में हमारे दरमियान फर्क नहीं। उसका ऐलान आप कलिमे में भी करते हैं लेकिन मुतवज्जो नहीं है। अलीयुन वलीयुल्लाह व खलीफतुहू, व खलीफतुहू बिला फसल। और ये भी ना सोचिएगा कि हुकूमत संभालने वाला खलीफा होता है, ये भी नहीं समझे, ये भी छोड़ दें, आप जहन से निकाल दें। नहीं, आप कहते हैं खलीफा तो हूँ बिला फसल हुकूमत थी अली के पास, नहीं 25 साल के बाद हुकूमत थी, तो आप क्या ऐलान कर रहे हैं बिला फसल। पता चला कि अली इमाम है आपके, हमारे लिए, सब के लिए, उम्मत के लिए, मा सवाए रसूल खुदा सब अम्बिया के लिए, और खलीफा है खुदा के। मैं इंशाल्लाह इसको और नहीं लेके, क्योंकि एक मेरा अशरा है जिसका है खिलाफत हकीकत खिलाफत इलाहिया, उसमें इंशाल्लाह कभी मौका मिला तो बयान करूँगा आपकी खिदमत में, उसमें ये मुआरिफ आ जाएंगे कि खलीफा कौन होता है, कैसा होता है, उसके असूल क्या हैं, कौन बनाता है, ये सारी तफसील उसमें आ जाएगी। लिहाजा पता ये चला, ये पाँचों लफ्ज़ों का आपको अब इल्म हो गया है कि विलायत बातिन है और इसके ज़हूरात हैं, इससे कुछ चीज़ें ज़ाहिर होती हैं, कभी इससे नबी ज़ाहिर होता है, कभी से रसूल ज़ाहिर होते हैं, कभी से इमाम ज़ाहिर होते हैं, और वो ज़ाहिर हुई हुई शख्सियत जो होती है उसको अगर लोगों की निस्बत देखो तो वो इमाम कहलाता है, और अल्लाह की निस्बत देखो तो खलीफा कहलाता है। समझ गए ना आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बुलंद आवाज़ में दुरूद पढ़े अहले बैत की ज़ात पे। एक मरतबा बारे दिगर सलवात पढ़ के बुलंद आवाज में आगे तशरीफ लें ताकि बाद में आने वाले दोस्तों के लिए मुश्किल ना हो। अल्लाह हमारी जो बेसिक गुफ्तगू है वो समझें कि क्लियर हो गई है, आपको सबके मायने आपके जहन में उतर आए हैं। अब आप देखें, ताकि एक जुमला मैं इमाम रिजा अलैहिस्सलाम की उस हदीस से जरूर पढ़ दूं आपकी खिदमत में। बुलंद आवाज में बारे दीगर दुरूद पढ़े। इमाम फरमाते इन्नल इमामता, यानी तारीफ कर रहे हैं, डेफिनेशन कर रहे हैं इमामत की, इमाम, ताकि आपको वो ना रहे कि अपनी तरफ से बयान कर दिया इसमें से। इन्नल इमामता मंजिलतुल अंबिया, नबी नहीं कहा, कहा मंजिलत अंबिया पे है। इन्नल इमामता मंजिलतुल अंबिया, यानी क्या है कि उस मंजिल पे है, खुद नबी नहीं है इमाम बल्कि मंजिलत अंबिया पे है। उसके बाद इरशाद फरमाते हैं व इरसुल औसिया, और औसिया की इर्स है यानी वरासत है। उसके बाद फरमाते हैं इन्नल इमामता खिलाफतुल्लाह, ये वही लफ्ज है जो मैंने अर्ज किया है कि इमामत क्या है, अल्लाह की खिलाफत है। व खिलाफत रसूल ही, और उसके रसूल की खिलाफत है। व मुकाम अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम व खिलाफतुल हसन वल हुसैन, और ये मकाम जो है अमीरुल मोमिनीन को हासिल है और हसन और हुसैन को हासिल है। ये तारीफ की है इमाम ने इमामत की, दो जुमले मैंने वर्ज किए हैं आपकी खिदमत में बस। लिहाजा अजीजा ने मोहतरम, और मौके पर अर्ज करता जाऊँगा कि ये तारीफ है, ये आप अपने जहन में नक्श कर लें, अगर इससे पहले कुछ और बात थी तो उसको मिटा दें, रेज कर दें और ये बात उसमें उतार लें। ये जो इमामत है इसकी अहमियत क्या है, दो चार जुमले क्योंकि वक्त मेरे साथ नहीं दे रहा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की हदीस है, बहुत सारी किताबों में है ये, और मुस्तनद हदीस है, सनद इसकी बिल्कुल कवी है। इमाम कर क्या फरमाते हैं, काला हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम या अय्युहन्नास, ए लोगो, इन्नल्लाह जल्ला जिक्रहु,
कि अल्लाह जिसका जिक्र बहुत बुलंद है, फिर फरमाते हैं मा खलकल इबादा, लोगों को उसने पैदा नहीं किया, खल्क नहीं किया, इल्ला लियारिफुहु, मा सवाए के उसको पहचाने। क्यों खल्क किया है? ताकि उसको पहचाने, उसकी मारिफत हासिल करें। इजा अरफूहु, और जब अल्लाह को पहचान जाएंगे अबदूहु, उसकी इबादत करेंगे। पता ये चला कि ये मुलाजमा है, जब मारिफत तब इबादत। अगर इबादत नहीं कहीं तो समझ लें मारिफत नहीं। फाइजा अबदूहु, फिर अगला जुमला मौला फरमा रहे हैं कि अगर जब इबादत करेगा वो, इस्तग़नु बे इबादत ही अन इबादत मा सवा सिवा, के जब वो इबादत करेगा क्या होगा कि वो गैर की इबादत से मुस्तग़नी हो जाएगा। ये बहुत मोती परोए हुए हैं एक एक पॉइंट में। क्या? पहला कि अल्लाह ने खल्क नहीं किया किसी शय को, मां सवाए के उसको पहचाने, यानी खिलकत का राज मारिफत है, और मारिफत जो है आ जाए तो इबादत आ जाती है, और इबादत आ जाए तो गैर से इस्तग़ना पैदा हो जाता है। इसीलिए क्योंकि सबसे बड़े आबिद अहले बैत थे, इसीलिए गैर के मुख्ताज नहीं थे वो, गैर के मुख्ताज नहीं थे। लिहाजा आगे बंदा एक खड़ा हो जाता है, कामा रजुलुन, रजुल खड़ा होकर कहता है वह माम अरिफतुल्लाह या अबना रसूलिल्लाह, ऐ फरजंदे रसूल बताइए कि मारिफत खुदा क्या है? मुझे इसका, मुझे तो अभी पहले का ही नहीं पता चला, आगे क्या पूछूं मैं आपसे। तो उसमें फरमाते हैं कि मारिफत, मारिफत जो है कुल्लु ज़मानिन अहलु कुल्लु ज़मानिन, कि हर जमाने के इंसान की मारिफत खुदा मारिफत इमाम ही, अपने जमाने के इमाम की मारिफत है। ये नहीं है कहा कि अल्लाह को, देखें ये अजीब बात है, कहा कि अल्लाह की मारिफत हासिल करो तुम आबिद बन जाओगे, आबिद बनोगे आरिफ बन जाओगे, आरिफ बनोगे आबिद बनोगे, आबिद बनोगे गैर की इबादत से मुस्तग़नी हो जाओगे। मुस्तग़नी होना किस राज में है? कि तुम अपने इमाम को पहचान लो, जब इमाम को पहचानोगे तो खुदा मिल जाएगा, जब इमाम को तो पहचानोगे इबादत मिल जाएगी, जब इमाम को पहचानोगे मारिफत मिल जाएगी, इमाम को पहचानोगे गैरों से मुस्तग़नी होकर यहां आके बैठ जाओगे। आपने इमाम पहचाना है अल्हम्दुलिल्लाह, इसलिए आप गैर के पास नहीं जाते, आप अब गैर का भारी नहीं करते। कभी आपने देखा है कोई बहुत करीबी भी हो तो आप कहते हैं ठीक है थोड़ी देर तुम्हें चेक किया है तो असल वही, थोड़ी देर तुम्हें चेक किया है, वो भी एक दुनियावी तकाजा था, लेकिन अब असल मेरा दिल उधर ही था। अगर तुम नहीं शर्फ हासिल, इसीलिए कहा कि लोगों के काम आओ, लोगों से तआमुन करो, लोगों से खिदमत करो। और इमाम हुसैन अलैहि सलाम फरमाते हैं कि जब भी कोई मोमिन तुम्हारे पास हाजत लेके आए तो उसको शर्फ समझना, उसको तौफीक समझना, उसको वापस ना पलटाना, हत्तल मकदूर उसको जो है वो अमल करने की कोशिश करना। क्यों? कि उसके बदले में, क्योंकि तुमने मोमिन को हमारी वजह से उसकी हाजत रवाई की है, इसलिए हम तुम्हारी हाजत रवाई करेंगे। तआवुन करना उसे। अहले बैत ने अपनी सारी ज़िंदगी खुदा की कसम इस ज़मीन से कुछ खाया नहीं, सिर्फ इतना खाया ज़िंदा रह सके, उम्मत ने वो भी नहीं दिया उनको, थोड़ा थोड़ा मुसाहिब आहिस्ता आहिस्ता पढ़ूंगा। मुसाहिब में सख्त नहीं पढ़ने का आदी, लेकिन खुदा की कसम मेरे पास किताबें मौजूद हैं, जब मैं किताबें पढ़ता हूँ ना बड़ी बड़ी देर किताब बंद करके रख देता हूँ। ऐसे ऐसे मुसाहिब किताबों में लिखे हुए हैं, खुदा शाहिद है कि बंदा बयान नहीं कर सकता, ना जुबान हमारे पास है ना दिल इतना है। आज़ादारो 60 हिजरी है, हुसैन 8 ज़िलहिज्जा को काबे का पर्दा पकड़ के
कुछ बातें कर रहे हैं काबे से। मजलूम करबला बतूल का लाल गरीब जहरा बड़ी हसरत से काबे को देखता है। देख के एक मरतबा मेरा मौला कहता है बैतुल्ला मेरे बाबा की विलादत गाह तो शर्फ याब हो जाएगा। बैतुल्ला तुम मेरे बाबा की विलादत गाह है, मैं तेरा हज जो है इस साल नहीं कर पाऊँगा, तेरा तवाफ नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि ये जालिम मुझे हज पढ़ने नहीं दे रहे। लेकिन मैं तुझसे वादा करता हूँ कि मैं हज ज़रूर करूँगा, लेकिन मैं करबला में मरकद हज से जाने जा रहा हूँ। आज़ादारो, उसके बाद मौला ने कहा कि ऐ काबा ऐ बैतुल्ला सारे लोग दूर दूर से तेरी ज़ियारत के लिए आएंगे, हज करने आएंगे, लेकिन मैं गरीब ज़हरा आज के बाद तेरी ज़ियारत के लिए नफ्से नफीस नहीं आ सकूँगा। आज़ादारो, जब ये हुसैन ने कहा है ना, उसके बाद कहा कि ऐ काबा मैं वादा करता हूँ कि मैं जब हज करूँगा ना तो अकेला नहीं जाऊँगा, मैं हज पे मैं अकेला नहीं जाऊँगा, मैं अपनी बहनों को भी लेके जाऊँगा, अपने बच्चों को भी लेके जाऊँगा, अपने भतीजों को भी लेके जाऊँगा, अपने भाइयों को भी लेके जाऊँगा, हत्ता कि मैं अपनी 4 साल की सकीना को भी लेके जाऊँगा। अजरकुम अल्लाह। अज़ादारो, अगले जुमले जो हुसैन ने बोले हैं ना, कहे काबा तेरी तामीर ईंटों से हुई है, पत्थरों से हुई है, गारे से हुई है, पानी से हुई है, तू इससे सजा हुआ है, लेकिन जो मैं अपना मरकद हज सजाऊंगा ना उसमें कहीं अब्बास के बाजू लगेंगे, कहीं अली अकबर का सीना लगेगा, कहीं कासिम की पसलियां लगेगी, कहीं असगर का खून लगेगा। अजरकुम अल्लाह। अल्लाह आपको किसी और गम में ना रुलाए। आज़ादारों, ये रोने की रातें हैं, खुल के रोना। इमाम सादिक फरमाते हैं कि जो बुलंद आवाज में रोता है उसकी आवाज जब फरिश्तों के पास पहुंचती है तो हम उसके लिए दुआ करते हैं। अजरकुम अल्लाह। मैं बड़े आराम आराम से पढ़ूंगा आज़ादारों। मौला ने एक अगला जुमला क्या बोला है, फरमाया काबा तेरा पर्दा बड़ा कीमती है, तेरा गिलाफ बड़ा कीमती है, तेरा गिलाफ बड़ा शर्फयाब है, लेकिन काबा ऐ बैतुल्ला तेरे गिलाफ के लिए किसी मस्तूर की चादर नहीं छीनी है। मौला फरमाते हैं हाय शाम गरीबा, मेरी बहनें कहती रहेंगी नहनु बनातो रसूलिल्लाह, के हम नबी की बेटियां हैं, जालिमो हया करो, हमारी चादरें तो ना उतारो। अजरकुम अल्लाह। आज़ादारो, इस हाजी ने अनोखा हज पढ़ने के लिए करबला का रुख किया। 2 मुहर्रम को ये हाजी करबला में पहुंचते हैं। आज़ादारो, जो हज करके आए हो वो खूब मुसाहिब को समझ सकोगे, गिरिया करोगे। ये हाजी जब पहुंचते हैं ना जब मक्के में, तो सबसे पहला मुस्तहब होता है हज करने वालों के लिए कि वो गुस्ल करते हैं। आज़ादारो, इस हाजी ने गुस्ल बड़े अजीब अंदाज में किया है। रवायत लिखती है कि जब आए ना सैयद सज्जाद के पास तो माथे पे हाथ रखा है इमाम ने, हाथ रख के कहते हैं सज्जाद उठो बाबा का आखिरी सलाम कबूल करो। जब सज्जाद की आंख खुली है तो देखा कि बाबा खून में डूबे हुए हैं। सैयद सज्जाद ने कहा बाबा आईना आईना अम्मी अल अब्बास, के चचा अब्बास कहाँ हैं, आपको खून में किसने नहलाया है।
अजरकुम अल्लाह, आपको खून में किसने नहलाया? जब हाजी ने, रवायत है कि मौला इमाम ज़माना ज़ियारत नाहिया में फरमाते हैं कि मेरा जद सर से पांव तक खून में डूबा हुआ था। अज़ादारो, दूसरा जो हाजी काम करता है ना हज पढ़ने के टाइम, वो ये करता है कि एहराम पहनता है। जब हाजी एहराम पहन लेता है ना, तो एक दूसरे को मुबारक देते हैं, देखते हैं कि कहीं से एहराम फटा तो नहीं हुआ, कहीं से एहराम को दाग तो नहीं लगा हुआ। ये हाजी देखते हैं इस हाजी ने कैसा एहराम पहना है। खैमे के दर पे आके ना एक दफ़ा आवाज़ दी, या उख्ती ज़ैनब, है मेरी बहन ज़ैनब, इतीन भी सोबना तीख के मुझे पुराना लिबास ला दो, शायद ये जालिम मेरे जिस्म पर ये लिबास छोड़ दे। बारहवें आका को ज़ियारत नाहिये मुकद्दसा में कहना पड़ा, या जद, या जद हुसैन जिस्म का उरियान, ए जद आपका है हुसैन, आपका जिस्म उरियान था। अज़ादारो, अजरकुम अल्लाह, थोड़ा थोड़ा बयान कर रहा हूं मंजिल बे मंजिल के हाजी क्या करता है, इस करबला के हाजी ने कैसे हज पढ़ा है। अज़ादारो, जब अहराम बांध लेता है ना हाजी, तो उसका हुक्म यह है कि जीनत उतार दे, कोई अंगूठी पहनी है तो वो उतार दे, अपनी जीनत को दूर कर दे। खुदा शाहिद है, तारीख लिख दी है कि हुसैन के हाथ में अंगूठी थी, जमाल मलऊन आता है अपना खंजर निकालता है, हुसैन की चारों उंगलियां खंजर मार के काट देता है, बतूल को कहना पड़ता है, बाबा मैंने हुसैन को चक्कियां पीस पीस के पाला था। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह, अल्लाह आपको किसी और गम में न रलाए। अज़ादारो, अल्लाह आपकी इबादत कबूल फरमाए। अज़ादारो, ऐसे इस हाजी की जीनत दूर की गई। जब जीनत दूर हो जाती है ना अज़ादारो, हाजी कुर्बानी करता है मिना में। ये अनोखा हाजी है जो 71 कुर्बानियां करने के बाद, और हुक्म है कि कुर्बानी प्यासी भी ना हो और भूखी भी ना हो, खुदा शायद हर तारीख ने लिखा है हुसैन की 71 की 71 कुर्बानियां प्यासी भी थी और भूखी भी थी। वो अजब वक्त था हुसैन पे जब अली अकबर आए, कहा बाबा एक बूंद पानी दे दो, हुसैन ने कहा वाह गुरबता, वाह गुरबता। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह, अल्लाह आपको और किसी काम में ना रुलाए। अज़ादारो, बड़ी अजीम इबादत है खुदा की कसम। अज़ादारो, जब हाजी कुर्बानी देता है ना, खुद कुर्बान नहीं देता, कुर्बान नहीं होता, लेकिन ये अजीब नो अनोखा हाजी है जो 71 भूखी और प्यासी कुर्बानियां करने के बाद रजन में कजाए ही वह तस्लीम अले अमरे कहने के बाद सजदे में सर रख के दुनिया से रुखसत हो गया। अज़ादारो, थोड़ी सी और जहमत है, जब हाजी हज पढ़ लेता है ना, तो अपने वतन वापस पहुंचे, सांस ले लो, पानी भी पी लोगे, बाद में आप खाना भी खा लोगे। अल्लाह जाने सैयदजादियां कैसे वक्त गुजारती थी। अज़ादारो, जब हाजी आज पढ़ लेते हैं ना, तो फिर उसका इस्तकबाल करते हैं। इस हाजी का इस्तकबाल कैसे किया गया है? नए घोड़े लाए गए हैं, नए नाल लगाए गए हैं, दोनों तरफ घोड़े खड़े किए गए हैं, घोड़ों के पांव पे पानी डाला गया है, कहीं घबरा ना जाए, दूसरे लाशें उठा लिए गए हैं, दोनों तरफ से घोड़े दौड़ रहे हैं। एक मर्तबा हुसैन की लाश पबाल हो रही है, इमाम ज़माना फरमाते हैं मेरे जद हुसैन
आप पे सलाम हो जिसका जिस्म ऐसे था जैसे आटे की चक्की में आटा पीस दिया होता है। अजरुकुमल्लाह अल्लाह आपको किसी और काम में ना रुलाया जाता। आखिरी मंजिल है, मुझे माफ कर देना, आखिरी मंजिल है। अल्लाह जाने अगले साल ये मुसाइब नसीब हो या ना हो। अजादार सुनोगे आखिरी मंजिल क्या है। जब इस्तकबाल हो गया ना हाजी का, उसके बाद इस अनोखे हाजी को, तो आपको पता है जब हज पढ़ के कोई आता है तो लोग उसको मेहमानी देते हैं, मेजबानी करते हैं। कभी किस घर में मेहमानी देते हैं कभी किस घर में मेहमानी देते हैं। इस अनोखे हाजी को अजीब मेहमानियां मिली है। हुसैन का सर कभी नोके नेजा पे था, कभी घोड़े की गर्दन में था, कभी घोड़े की खुरजीन में था, कभी तंदूर में था। अजरकुमल्लाह आखिरी मंजिल है। अजादारो मेहमानी देने के लिए जब हुसैन का सर पहुंचाना है दरबारे यजीद में, हौसले से सुनना, अगर सख्त हुआ मुझे माफ कर देना, रवायत बिल्कुल मुस्तनद है। जब पहुंचाना कैसी मेहमानी दी है उम्मत ने हुसैन को। अजादारो यजीद तख्त पे है, एक मरतबा तश्त निकालता है, जब तश्त निकालता है तश्त पे कपड़ा है, कपड़ा हटाता है, फातिमा का गहन लगा हुआ चांद नजर आता है, सामने सकीना देख रही है, ज़ैनब देख रही है, उम्मे कलसूम देख रही है। छोटी छोटी औलाद वालों जानते हो कि जब घर से निकलते हो तो छोटी छोटी बेटियां आपके रुखसार चूमती है। अजादारों इस मलाउन ने कैसे हुसैन को मेहमानी दी है, इसने एक छड़ी उठाई है, मुझे माफ कर देना, हुसैन के लबों पे रखी है, मैंने कर रखी है, रवायत लिखती है, इतनी छड़ियां मारता रहा, मजलूम करबला के होंठ फट गए, खून जारी हो गया, सकीना से बर्दाश्त नहीं हुआ, रो रो के कह रही है, चचा के सर की तरफ देख के कहती है, चचा अब्बास मुझसे बाबा के होठों पे जुल्म बर्दाश्त नहीं हो रहा। अल्लाह अल्लाह।